दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मास्कमैन पूरे शहर में तबाही मचा रहा था और इधर बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी तप करते हैं, जहां उन दोनों को एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्फर मास्कमैन से मुकाबला करने के लिए जाते हैं, जहाँ मास्कमैन अपनी चालाकी से गुप्ता जी को अपने वश में कर लेता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी, पिछली बार मास्कमैन ने तुम्हें अपना शिकार बनाया था और इस बार गुप्ता जी को। लेकिन बाबा, इस बार तो मास्कमैन का साथ बहुरूपिया सूर दे रहा है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, इसलिए हमें रॉड की मदद लेनी होगी। बाबा तुरंत ध्यान लगाकर रॉड को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं। उधर मास्कमैन और बहुरूपिया सुर पूरी दुनिया में राज करने के लिए एक योजना बनाने लगता है। ठीक है बहुरूपिया सुर, जैसा हम दोनों ने योजना बनाया है वैसे ही काम करते हैं, और फिर उसके बाद वह बाबा भी हमें रोक नहीं पाएगा। योजना बनने पर बहुरूपिया सुर जंगल की ओर अंदर जाने लगता है और मास्कमैन फिर से शहर की ओर जाता है। गुलामों, समय आ गया है मानव जाति के अंत का, जिसके बाद असुरों का राज होगा। मास्कमैन, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बाबा, तुम मुझे रोकोगे कैसे? मुझे मार के ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मुझ पर हमला करोगे तो चोट गुप्ता जी को लगेगा, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। मास्कमैन, शायद तुम भूल गए, यदि पूरी दुनिया को बचाने के लिए किसी एक की जान जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा की बात सुनकर मास्कमैन को थोड़ा डर लगने लगता है। क्यों मास्कमैन, इतनी जल्दी डर गए क्या? पहले तुम अपने पीछे मुड़ कर तो देखो, तुम्हारा स्वागत करने कौन आया है। मास्कमैन अपने पीछे मुड़कर रॉड को देखता है और तभी रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से मास्कमैन को जमा देता है। मास्कमैन के जमते ही उसके गुलाम रॉड पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बाबा के एक ही वार से सभी गुलाम का अंत हो जाता है। सभी गुलाम के मरते ही मिश्रा जी और जम्पर वहां आ जाते हैं। बहुत अच्छे रॉड, तुम्हारे बिना मास्कमैन को पकड़ नहीं पाते। रॉड को शुक्रिया कहने के बाद बाबा अपनी शक्ति से सभी लोगों को अपने आश्रम ले जाते हैं। आश्रम में आते ही बाबा सबसे पहले मास्कमैन को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाबा, मास्कमैन को गुप्ता जी से अलग कर दीजिए। मिश्रा जी, अभी ये संभव नहीं है, जब मास्कमैन होश में होगा तब जाकर ऐसा संभव है। कुछ समय के बाद नाइट्रोजन गैस का असर खत्म हो जाता है और मास्कमैन को होश आ जाता है। वह अपने आप को कैद देखकर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। वह बहुत कोशिश करता है अपने आप को बाहर निकलने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे कैद करके, अब देखो गुप्ता जी के साथ क्या होगा। मास्कमैन गुप्ता जी को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ देने लगता है। बाबा मुझे बचा लीजिए, मास्कमैन मुझे कमजोर कर रहा है। आज बचेगा नहीं गुप्ता जी। बाबा मुझे बचा लीजिए, इस मास्कमैन से मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा बाबा जल्दी से कुछ कीजिए, वरना मास्कमैन गुप्ता जी को मार डालेगा। गुप्ता जी को तकलीफ में देखकर बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। बाबा की शक्ति की मदद से मास्कमैन गुप्ता जी से अलग होने लगता है। कुछ ही समय में मास्कमैन गुप्ता जी के शरीर से अलग हो जाता है। तभी जम्पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके गुप्ता जी को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। गुप्ता जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मिश्रा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, तुम बचोगे नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मास्कमैन, तुम ज्यादा फरफराओ नहीं, तुम अभी हम लोगों के कैद में हो। बाबा, गुप्ता जी अब मास्कमैन के चंगुल से निकल गए हैं, इसलिए इसे जलाकर मास्कमैन का खेल खत्म कर दीजिए। मिश्रा जी की बात मानते हुए बाबा अपनी शक्ति से मास्कमैन को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा की अग्नि से मास्कमैन को कुछ नहीं होता है। बाबा, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बाबा, ये क्या हुआ? मास्कमैन तो अभी भी जिंदा है।
मिश्रा जी, मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम्हारे बाबा भी नहीं। बाबा सोचने लगते हैं कि आखिर मार्क्समैन को आग से जलाने पर उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के साथ जाने लगते हैं, और इधर रॉड मार्क्समैन पर नजर बनाकर रखता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मार्क्समैन बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है, इसे मारना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मार्क्समैन का अंत करने के लिए मुझे जंगल में जाकर एक दिन का घोर तप करना होगा, तब जाकर मार्क्समैन के अंत का पता चलेगा। ठीक है बाबा, आप जल्दी से जंगल में जाकर तप करें और पता करें आखिर मार्क्समैन का अंत कैसे हो सकता है। तब तक हम दोनों मार्क्समैन को कैद से बाहर निकलने नहीं देंगे। बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाने लगते हैं और गुप्ता जी मिश्रा जी वापस आश्रम के अंदर आने लगते हैं। आश्रम के अंदर आते ही मिश्रा जी की नज़र जंपर पर पड़ती है। गुप्ता जी, वहाँ देखिए, जंपर तो बेहोश पड़ा हुआ है और उसका शरीर का रंग बदला हुआ है। जंपर को बेहोश देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके पास तेजी से जाते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी की नज़र पिंजरे पर पड़ती है। ओ माई गॉड, मार्क्समैन तो पिंजरा से बाहर निकल गया है, और वहाँ देखो मिश्रा जी, रॉड भी बेहोश पड़ा हुआ है और उसका भी वही हाल है। गुप्ता जी, हमारे जाने के बाद अचानक यहाँ क्या हुआ? रॉड और जंपर पर किसने हमला किया, और मार्क्समैन यहाँ से बाहर कैसे निकल गया? मिश्रा जी, यहाँ क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जंपर और रॉड हमें बता सकते हैं, इसलिए दोनों को जल्दी से जल्दी होश में लाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों को होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी होश नहीं आता है। गुप्ता जी, दोनों में से किसी को भी होश नहीं आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा आखिर यहाँ क्या हुआ था? मिश्रा जी, इन दोनों के शरीर में केमिकल वाला कलर लगा हुआ है, हमें इसे हटाना होगा, तब जाकर दोनों को होश आ सकता है। गुप्ता जी तुरंत अपनी शक्ति से केमिकल वाला कलर को निकाल देते हैं, और तभी दोनों को होश आ जाता है। दोनों को होश आते ही गुप्ता जी पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि उनके जाने के बाद वहाँ मार्क्समैन का दोस्त बैरूपिया सुर आया था, और हमने उसे रोकने की कोशिश की तो कोई हम पर पीछे से केमिकल वाला कलर से हमला कर देता है, और उसके बाद हम दोनों बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी, पीछे से हमला करने वाला कहीं वो तो नहीं? हाँ मिश्रा जी, हमारा पुराना दुश्मन रंगासुर वापस आ गया है वो। गुप्ता जी, उसने कहा था जब जब होली आएगी तब तब रंगासुर तबाही मचाएगा, और जैसे ही होली के दिन आए हैं वो तो सच में आ गया। हाँ मिश्रा जी, अब हमारा मुकाबला मार्क्समैन, बहरूपिया सुर और रंगासुर से होने वाला है, इसलिए जब तक बाबा यहाँ नहीं आते हैं तब तक हमें ही इन शैतानों से लड़ना होगा। तो दोस्तों, इस बार मार्क्समैन की मदद करने रंगासुर भी आ गया है, और बाबा तप करने जंगल में चले गए हैं। अब गुप्ता जी और मिश्रा जी क्या करेंगे, यह सब देखेंगे मार्क्समैन रिटर्न के पार्ट 5 में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना ना भूले, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।